ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 21 अगस्त 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:41 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। हम लास्ट वीक से देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, साइडवेज पैटर्न दिखाई दे रहा है। निफ्टी इंडेक्स में अगर FII की एक्टिविटी देखें तो काफ़ी कुछ दिनों से उनका पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी लो है, काफ़ी कम है। ये ब्लू कलर में जो लाइन है ये निफ्टी इंडेक्स का प्राइस हमें इंडिकेट कर रहा है, DII का येलो बार्स हमें इंडिकेट कर रहा है, और FII का एक्टिविटी हमें रेड बार्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ लास्ट दिनों से, एक 10-12 दिनों से काफ़ी FII का एक्टिविटी जो है वो कम हो चुका है। यहाँ पर आप फिगर्स में देख सकते हैं 4600, 300, फिर 400, ये करोड़ में है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है FII का वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। 18 अगस्त का ये जो पार्टिसिपेशन है तभी एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ था निफ्टी इंडेक्स में। DII भी देखे तो लगातार सेलिंग यहाँ पर कर रहा है, तो एक प्रेशर बना हुआ है, इनडिसिजिवनेस मार्केट में देखने को मिल रहा है इस समय। तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन के कारण एक काफ़ी देर बिटवीन द ट्रेडिंग आवर्स एक स्लगिश वे में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में पार्टिसिपेशन की कमी दिखाई दे रही है FII की तरफ से। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू कर दें, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे और आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 28 अगस्त आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,354। तो जैसे कि कल ग्लोबल मार्केट का सिनारियो हमें देखने को मिल रहा था शुरुआती आवर्स में, तो निफ्टी इंडेक्स भी गैप डाउन ओपन हुआ, सेकेंड टारगेट के नीचे ये ओपन हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, दिन भर में इसे 2 बार ये जो ब्रेकडाउन लेवल है एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये जब मूव हुआ तो फर्स्ट टारगेट 11,111,337 ये अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 11,324 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार फिर से एक बार शानदार तेजी के साथ बंद हुए, IT स्टॉक्स ने जबरदस्त वहां पर तेजी दिखाई, नासडैक करीब 118 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स पिछले कुछ दिनों से हालांकि कमजोरी का सिग्नल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एशियाई मार्केट देखे तो आज SGX निफ्टी फिर से एक बार हरे निशान में 86 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखें तो 70 पॉइंट के बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट से एक बार रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं कल की एक गिरावट के बाद। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट है। यहाँ पर हमने लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर 11,184 जहाँ पर 100% का लेवल आ रहा है उसी के पास ये अभी सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। अगर इस जोन को देखें तो इस जोन में पास्ट में निफ्टी इंडेक्स ने काफ़ी समय यहाँ पर बताया इस लेवल, इस रेंज के अंदर काफ़ी वीक ये यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेंड करता है इस जोन के अंदर। अभी फिर से उसी जोन के आसपास निफ्टी इंडेक्स है, तो हो सकता है फिर से यहाँ पर कुछ वीक हमें निफ्टी इंडेक्स कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे। अगर यहाँ से ये अपर बैंड को कंफर्टेबली ब्रेक करते, यानी 11,400 जहाँ पर मंथली चार्ट में ये जो मार्च का बेरिश कैंडल था
यानी 11,433 उसका हाई आ रहा था, उसके ऊपर अगर कंफर्टेबली क्लोज होता है, सस्टेन करता है, तो ही अपसाइड जर्नी यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में यहाँ पर ये लेवल आ रहा है 11,433 का। एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं, ये मंथली चार्ट है, ये इसका बेयरिश कैंडल का हाई, ये अगर जब तक ब्रेक नहीं करता, कंफर्टेबली सस्टेन नहीं करता, यहाँ से और तेजी का कंफर्मेशन हमें नहीं मिल सकता। तो यह था वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं वीकली चार्ट, डेली चार्ट में। डेली चार्ट की हम बात करें तो यहाँ पर फिर से एक बार बोरिंग कैंडल्स निफ्टी इंडेक्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट चार पांच दिनों में हमने देखा था कि कैसे दोजी कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, जहां पर ओपन हो रहा है उसी के पास आकर क्लोज हो रहा है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न है, ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। तो अभी फिर से दोजी पैटर्न बना, यानी दोजी पैटर्न का ये जो हाई और लो है, यही हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन दे सकता है। तो ऊपर 11,370 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स आज तेजी दिखा सकता है, अगर 400 के ऊपर ये सस्टेन कर पाता है तो। अदरवाइज ये कल का लो अगर ब्रेक करता है, यानी 11,270 के नीचे चला जाता है, तो फिर से निफ्टी इंडेक्स 20 EMA एज पर डेली चार्ट, जो कि 11,185 के पास आ रहा है अभी इस समय, तो वहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। तो यह था डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का लो, कल के ये आर्ली चार्ट में आप कैंडल्स देख सकते हैं, ना ही हायर हाई बन रहे ना ही हायर लोस कंटिन्यू बन पा रहे, एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है, एक साइडवेज पैटर्न है, इसका अगर लोअर बैंड यानी कल का लो अगर ब्रेक करते हैं, तो उसके तुरंत नीचे पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, तो 11,280 को ब्रेक करने दीजिए, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,266, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये ग्रे लाइन, जो कि 100 EMA का लाइन है, ये आनी अराउंड 11,251, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर कल का हाई ब्रेक करता है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कल का ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था, इसी के पास निफ्टी इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में भी आपने देखा है कई बार इसने हर्डल फेस किया ऊपर जाते हुए, तो ये लेवल काफी क्रूशियल हो जाएगा, यही हमारा आज के लिए ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। तो ये जो लेवल है 11,370, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,387, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,404, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।